तो बसरी बढ़िया हो गई है मेरी। खाले खाले पेट भर के खाले, ऐसा घास नहीं तुझे मिलने वाला कहीं पे। ओहो मेरी वाइफ तो आज जल्दी आ गई है मेरा छोने मोने। मेरी डार्लिंग काम जल्दी खत्म हो गया। क्या हो गया, टट्टियां लगी थी? अरे यार तो दवाई लेके आती, खाना बाद में भी आ जाता। चलो पहले खाना खा। चलो खाना खा लो यार, मुझे बहुत भूख लगी है। खाया आया, तू भी खाएगी खाना? तू बाद में खा लेना। अरे हाय मेरी डार्लिंग, क्या लाई है? प्याज लाई है मेरी छोनी मोनी। जल्दी खिला, मुझे बहुत भूख लगी है। लादे ये लो। बहुत टेस्टी है ये लो, एक और खाओ। ना एक और खाओ, ना खाओ। खाना था इतना टेस्टी, खाना मैंने जिंदगी में आज तक नहीं खाया। नहीं चाय की कोई जरूरत नहीं, अभी तो खाना खाया, चाय क्या करनी है? तुम भी ना, पता नहीं क्या बुड़बुड़ करती रहती है, जनानियों की आदत ही होती है बुड़बुड़ करने की। लगता टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, आज तक तो मेरी मैडम को आ जाना चाहिए। ओ तू कहाँ जा रही है? मैडम तो पहले नहीं आई, भूख लगी हुई है। तुझे भूख लग रही है? ये तू चारा खा ले। ये बच्ची को भी भूख लग जाती है, ये भी मैडम का थोड़ा ज्यादा करती है मेरे का। अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए, मुझे तो चिंता हो रही है। भगवान क्या करूँ अभी, इस बच्ची को कहाँ छोड़ के जाऊँ, किसको के सारे छोड़ के जाऊँ? भगवान कोई तो ऐसा बंदा भेज दो जिसके पास में इसको छोड़ के जाऊं और फिर मैं मैडम को जाके देखूं। हाँ अरे 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 अरे, ना कि मैडम को टट्टियां लग गई थी काफी दिन पहले, भाई फिर ना कहीं सलवार लपेट दी हो उसने। अब देखता हूँ, हे भगवान कोई तो बंदा भेज दो। हाँ कोई नहीं है, शुक्र है भगवान। चल भाई साहब, बहुत फिक्र हो रही है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। काफी दिन पहले उसको टट्टियाँ लगी थी और आज वो आई नहीं है, मुझे फिक्र हो रही है। मैं उसको दवाई दिला के आ जाऊंगा और खाना भी खा के आ जाऊंगा। मेरी थोड़ी बसरी का ध्यान रख लेना ताकि मैं बस उसको दवाई दिला दूं। अरे तू जा जा, बड़े आए तेरे जैसे कहते हैं। हाँ ठीक है भाई साहब, भाई साहब आज के टाइम पे कितने अच्छे लोग हैं, नहीं तो कौन किसी। अरे वाह, मेरी बसरी का तो अच्छा ध्यान रखा है, मेरी बसरी का तो अच्छा ध्यान रखा भाई तूने। अरे यार आज के टाइम पे भी कैसे बंदे हैं, मुझे इसे थैंक यू बोलना चाहिए। चलो बोलता हूँ। नहीं नहीं जमलू, इसको ऐसे थैंक यू नहीं बोलना यार, इसको यार बसरी बैंड में दे देते हैं बेचारा, ना लकड़ी काटकर पता करना चाहिए। इतना आज के इतना ईमानदार बंदा मैंने पहली बार देखा। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वाइफ बहुत बीमार थी, उसको वही बात हो गई 2-3 दिन पहले भाई, उसको दोबारा टट्टियाँ लगी हुई थी, पूरी की पूरी लैटरिन भर दी उसने, सलवार लपेट रखी, दवाई दवा के आया हूँ उसको, पूरी दवाई दिलाई है, खाना खा के आ गया हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी मैं आपको बेंट में देना चाह रहा हूँ, आप इसको रख लो। मैंने तो आपकी बछड़ी की तरफ देखा था कि नहीं, मैं तो अपनी लकड़ियाँ काट रहा था तो मैंने आपकी बछड़ी की टांग कैसे तोड़ दी? ये लो आप अपना बछड़ा। अरे भाई साहब
यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, मैं आपने मेरी इसके बसरी का ख्याल रखा। मैं अपनी वाइफ को खाना और दवाई दिला के आ गया, खाना खा के आ गया, दो घंटे मुझे लग गए हैं, आप भी आपको तो इसको रखना पड़ा। भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने आपके बछड़ी की तरफ देखा था कि नहीं, मैंने आपके बछड़ी की टांग कैसे तोड़ दी? आप बोल रहे हैं मैंने उसकी टांग तोड़ दी। अरे भाई साहब रुको, ये देखो, ये बंदा मान नहीं रहा है। मेरी वाइफ हर रोज मेरे लिए खाना लेके आती थी, अब मैं सुबह निकल जाता था ये बछड़ी को चराने के लिए, तो आज वो आई नहीं। मुझे फिक्र हो रही थी, क्यों नहीं आई, बहुत चिंता हो रही थी इसकी, तो मैं उसको दवाई दिलाने चला गया, इसको इसके हैंड ओवर कर गया, भैया इसका ध्यान रखो, इसने इतना अच्छे से इसका ध्यान रखा है, और बदले में मैं इसका शुक्रिया करना चाहता हूँ। अरे भाई मैं कब से इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी लकड़ियाँ काट रहा था और ये बोल रहे मैं इनकी बछड़ी की टांग तोड़ दी, बताओ मैं क्या करूँ? कह रहा हूँ मुझसे इस बार बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आज के बाद कभी किसी की कोई सामान नहीं चिराऊंगा, ये साइकिल भी आप ही रख लो। अरे भाई साहब आप बात क्यों नहीं मान रहे, इसको मैंने बोल के गया, इसने मेरी बसी का ध्यान रखा, मेरी बाइक मारती, मैं उसको खाना खिलाने चला गया और खुद खाना भी खा के आ गया, और बदले में बसी इसको मैं पेट में देना चाहता हूँ। भाई समझने की कोशिश नहीं कर रहे, अरे मैं अपनी लकड़ियाँ काट रहा था, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, ये साइकिल भी आप रखो। अरे मैं कैसे समझाऊं इनको, कैसे समझाऊंगी बच्ची में? साधु जी बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, आप बिल्कुल सही समय पे आए हो, टाइम पे आए हो, बहुत बड़ी मुसीबत में हम, ये समझ नहीं रहा है, ये बंदा, ये लकड़ी काटने वाला बंदा है, मेरी वाइफ हर रोज खाना लेके आती थी, आज अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, खाना लेके नहीं आई, ये बच्ची ना मैं इसको समा के चला गया, अभी इसका ध्यान रखना, इसने इतना अच्छे से ध्यान रखा, मैंने शुक्रिया किया और बदले में इसको ये बच्ची बैंड में देना चाहता हूँ, लेकिन ये ले ही नहीं रहा है। अरे साधु जी आप ही बताओ, मैं इनको कभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लकड़ियाँ काट रहा था और ये मुझे बोल रहे हैं कि मैं इनकी बछड़े की टांग तोड़ दी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? साधु जी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद कभी मैं कोई चोरी नहीं करूँगा, मैं कोई चोरी नहीं करूँगा, हे भगवान मुझे शक्ति दो ताकि मैं इन बहरों को एक दूसरे की बात समझा सकूं। अरे साधु जी तो बहुत गुस्से से देख रहे हैं मुझे सामने, मेरी तो शादी भी नहीं है, शादी भी बहुत बड़े गुस्से से देख रहे हैं। अरे ये कहाँ भाग गए, कहीं मालिक को बताने तो नहीं चले गए? इस वीडियो से हमें सीख मिलती है कि एक व्यक्ति चुप रह के भी बुद्धिमान व्यक्ति जो सब कुछ हासिल कर सकता है, और वहीं आज कलयुग के लोग लड़ते फिरते हैं और उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। सीखो कुछ दोस्तों, सीखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्त। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू दोस्तों। चिल गाइस।